जेल से हमने डरे वाला है। बिहारी आदमी गुजराती से डर जाएगा। भाजपा सरकार का जाना तय है, जब आएगा 4 जून गरीब किसान बनेगा। जीतने का जरिया हमारा पूरा भारत कह रहा है 10 साल से कि मोदी सरकार खा गया नौकरी हमारा। मानिए कि एनडीए का सफाया हो गया है, ये भीड़ देख के ऐसे ही उन लोग डर गए हैं। हर जाति को लेकर चलने वाले हैं, इनके पास सब जाति का आता है, भूमिहार भी आता है, ब्राह्मण भी आता है। युवा का नेता है, पूरे बिहार का युवा का वो नेता है। बहुत अच्छा है सुरेंद्र जी, अभी भारी मतों से यहाँ से जीत रहे हैं। बड़े बड़े नेता भी थक जाएगा, मगर आरजेडी को हराने के लोगों को पसीना छूट जाएगा। तेजस्वी क्या कुछ वैल्यू है? वो सब तो कुछ होने वाला है, लेकिन मानने वाला है। सुरेंद्र यादव भारी मतों से विजय हो रहे हैं। हाँ तय है, ठीक है, उनमें कोई जोड़ नहीं है। सुरेंद्र यादव विकास पुरुष है और इन्होंने बहुत काम, इसके पहले 13 महीना रहे थे, बहुत काम किए। हर जाति को लेकर चलने वाले हैं, इनके पास सब जाति का आता है, भूमिहार भी आता है, ब्राह्मण भी आता है, और पिछड़ा अति पिछड़ा सब को लेकर चलने वाले इन्होंने काम करते हैं। तेजस्वी यादव का जलवा है। जी हाँ, पूरा जलवा देख रहे ना, एक तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को धूल चटाने का काम किया, और जोड़ा कौन है मेरा ने विकास पुरुष है, कितना घोषणा किए 500 में गैस देंगे। सबसे हॉट सीट तो मानते ही आप लोग भी को भी पता है, आज जिस तरह से आप लोग आए हैं इतना दूर से, तो आपको ये भीड़ के अनुसार जैसे प्रखंड बाय प्रोग्राम, एक प्रखंड का इतना भीड़ है, जो कि कल आए थे जेपी नड्डा साहब, 80 लाख का पंडाल बना भी जहानाबाद गांधी मैदान में, इसके तुलना में कुछ भीड़ नहीं रहा। तो इससे भी मानिए कि एनडीए का सफाया हो गया है, ये भीड़ देख के ऐसे ही उन लोग डर गए हैं। और जहाँ तक क्षेत्रीय की बात है, सुरेंद्र यादव जी के हर जात का वोट मिल रहा है इस बार। जहाँ तक हम लोग मतलब थोड़ा थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, हम लोग जीते हुए 100% है, हर कास्ट का वोट मिल रहा है। जय बस। क्या माहौल है जी? माहौल तो आपको ही पता होगा भैया, क्योंकि आप भी बहुत देरी से लेके घूम रहे हैं। और सबसे पहली बात है, हाँ तो हम तो बोलने का समय थोड़ा दीजिए सर। सबसे पहली बात है कि तेजस्वी जी हमारे जितना भी हैं युवा का नेता है, पूरे बिहार का युवा का वो नेता है। ये जो है नीतीश कुमार को मैंने जाना चाहिए इस चीज़ का थी कि एक प्रखंड में तेजस्वी जी को देखने के लिए इतना भीड़ लगती है, जो जन्मजात नीतीश जी को कभी नहीं लग सकता है। और दूसरी बात, सुरेंद्र यादव बेल्लागंज के यहाँ पे स्थानीय 6 बार से विधायक रह चुके हैं, और उनके लिए एक धरती की तरह जाना जाता है। हम लोग उनका माननीय सदस्य हैं, और हम लोग पूरा युवा बुजुर्ग सभी चाहते हैं कि इस बार सुरेंद्र यादव जीते और यहाँ पे अति बदलाव हो। तेजस्वी और सुरेंद्र दोनों का जलवा है। हाँ, दोनों का जलवा है, मालिके का जलवा है, तेजस्वी जी का दोनों का जलवा है। हमारे और बहुत अच्छा है सुरेंद्र जी, अभी भारी मतों से यहाँ से जीत रहे हैं। चंद्रवंशी जी कह रहे हैं कि बड़ा काम किया। चंद्रवंशी जी हैं जो एक आध क्षेत्र में आदमी उनको पहचानता भी है, नहीं पहचानता। अरे बड़े बड़े भेजने से क्या होगा सर, बड़े बड़े नेता हैं साहब, नहीं होता। युवा इतना भी बेरोजगारी से मैंने चूज है कि बड़े बड़े नेता भी थक जाएगा, मगर आरजेडी को हराने के लिए उन लोगों को पसीना छूट जाएगा। अरे वो लोगों को वैल्यू है सर, वो सब कितने भेज रहे हैं, इतने ना बेरोजगारी है ना कि लड़के दम जा गया है, बोल रहा है तेजस्वी क्या कुछ वैल्यू है। नहीं, हम बोलना चाहते हैं कि तेजस्वी जी अगर मुखिया का प्रचार करें तो तेजस्वी जी का कोई वैल्यू है? तो प्रधानमंत्री होके 35 वर्ष के लिए युवा के तेजस्वी जी के लिए हराने के लिए लगे हुए हैं, ये जैन सलाब को तोड़ने के लिए लगे हुए मोदी जी, गली गली अरबा लाओ इधर चलते हैं घूम ले, कोई बावजूद रहा उनको? जेल भेज देंगे, वो सब तो कुछ होने वाला है, लेकिन मानने वाला है। जेल भेज देगा, उड़ा जाएगा, कोई नहीं रहेगा। जेल से हमने डरे वाला है, बिहारी आदमी गुजराती से डर जाएगा। बहुत बहा लिया गरीब किसानों का खून, भाजपा सरकार का जाना तय है, जब आएगा 4 जून बहुत बहुत माहौल है। तेजस्वी यादव जीत रहे हैं, सुरेंद्र यादव को यहाँ पर जीत पक्का है। हाँ, कोई हराने नहीं जा रहा है। हाँ, सुरेंद्र यादव भारी मतों से विजय हो रहे हैं। हाँ हाँ तय है, उनका तो आप देखना रुतबा हमारा, गरीब किसान बनेगा, जीतने का जरिया हमारा
और पूरा भारत कह रहा है 10 साल से कि मोदी सरकार खा गया नौकरी हमारा, या तो हमारे छात्रों का भविष्य अंधकार में डालने का काम ये भाजपा सरकार पिछले 10 वर्षों से कर रही है। जब पूरे पूरे भारत में जब इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हर गरीब माँ बहन के खाते में 1 लाख रुपया खटाखट 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 आवेगा। इसलिए हम पूरा जहानाबाद के जनता से कहना चाहते हैं कि 1 नंबर पे बटन नंबर 3 पर लालटेन का बटन दबाकर सुरेंद्र यादव जी को भारी मतों से विजय बनाकर दिल्ली सदन में भेजने का काम करें। सुरेंद्र यादव जिंदाबाद। ठीक ठीक है, माहौल है सुरेंद्र जी का। हाँ और क्या, लालू के बेटे को जेल भेज देंगे मोदी जी कह रहे हैं। पूरे देश के नागरिक को जेल में उकर ले तो उससे नागरिक डरने वाला नहीं है। नागरिक जो है उसके बाप है, सरकार है जो जनता है, जनता के ऊपर टिकी हुई है कोई भी सरकार।